फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि कौन सी कल्पना सबसे आचार्यों ने गुरु बताई है। इसके बारे में अब हम जानकारी लेते हैं कि आचार्य कहते हैं कि आचार्य ने कहा है कि कौन सी कल्पना गुरु है, इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। फ्रेंड्स, पाण से शीत, शीत से श्रुत, श्रुत से कल्क और कल्क से स्वरस गुरु और बलवान होते हैं, ऐसे आचार्य ने क्यों कहा है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। और स्वरस की मात्रा सबसे अधिक क्यों बताई गई है, इसके बारे में भी हम अब जानकारी लेते हैं। देखो, कौन सा भी मेडिसिन रहता है उसका डोज पर्टिकुलरली पेशेंट के बल पे डिपेंड रहता है। पेशेंट का बल कम रहता है तो उनको हम कम मात्रा में मेडिसिन देते हैं, और पेशेंट का बल अच्छा रहता है तो पेशेंट को हमका उनका डोसेज बढ़ाना पड़ता है मेडिसिन का। तो स्वरस कौन से पदार्थ से बनने चाहिए, कल्क किससे बनना चाहिए, श्रुत, हीम और फांट कौन से पदार्थों से बनना चाहिए, इसके बारे में हम अब जानकारी लेते हैं। यदि द्रव्य आर्द्र रहता है तो आचार्य कहते हैं कि उनका स्वरस या क्वाथ किया जा सकता है। आचार्य क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आचार्य कहते हैं कि यदि द्रव्य अपने को आर्द्र अवस्था में प्राप्त होता है तो हम उनसे स्वरस या क्वाथ बना सकते हैं, क्योंकि कल्पों के चुनाव में द्रव्यगत वीर्य के स्वरूप का विचार करना अत्यंत आवश्यक होता है। कौन से भी द्रव्य में भी कौन सा वीर्य है, इसके अनुसार हम पंचयुक्त कषाय कल्पना कौन सी बनानी है, इसके बारे में हम डिसीजन लेते हैं फ्रेंड्स। तो यदि द्रव्य में जलीय अंश स्थित है तो उससे स्वरस और क्वाथ कल्पना अच्छे तरीके से बन सकती है, क्योंकि स्वरस और क्वाथ कल्पना में द्रव्य पदार्थों का प्रमाण ज्यादा है, इसलिए उससे हम स्वरस बनाए तो सबसे बेटर इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। तो जिस द्रव्य में पार्थिव अंश ज्यादा रहता है तो उसे चूर्ण कल्पना बनानी चाहिए। आप देखते हैं कि चूर्ण पाउडर फॉर्म में मिलते हैं, इन द सेंस उसमें पार्थिव गुण ज्यादा होता है, तो पार्थिव गुण चूर्ण में अपने को सबसे ज्यादा देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो आगे देख लेते हैं कि कौन से पदार्थों में पार्थिव अंश और जलीय अंश रहता है तो उससे कौन सी कल्पना आप बनानी चाहिए। आचार्य कहते हैं कि पर्टिकुलरली समझो, द्रव्य में पार्थिव अंश और जलीय अंश दोनों वीर्य स्थित है तो उनसे हम कल्क कल्पना का निर्माण कर सकते हैं। आचार्य क्या कहते हैं फ्रेंड्स, यदि द्रव्य में पार्थिव अंश और जलीय अंश दोनों वीर्य स्थित है तो उनसे हमें कल्क कल्पना का निर्माण करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कल्क का मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ कि कल्क क्या रहता है। कल्क एक ऐसी कल्पना है जिसके लिए हम किसी भी वनस्पति का पत्ता यूज कर सकते हैं, फ्रेशली फ्रेशली जो लीव्स लाते हैं उसको यूज करके हम उसको पत्थर के साये कूटते हैं, उसे हम कल्क कहते हैं। कल्क में क्या मिलेगा अपने को, पार्थिव अंश भी मिलेगा फ्रेंड्स और उसमें हमें जलीय अंश भी मिलेगा। तथा कटु और सुगंधित द्रव्य रहते हैं, जैसे सेंटेड द्रव्य रहते हैं तो उनमें वायु भी और तेजस अंश ज्यादा रहता है, ऐसे आचार्य कहते हैं। देखो यहाँ फ्रेंड्स, आचार्य कहते हैं कि कटु और सुगंधित द्रव्य है जिनका वीर्य वायु और तेजस गुणों से अधिक है तो उनसे हमें क्वाथ कल्पना नहीं बना सकते। क्वाथ कल्पना क्यों बना सकते हैं, ऐसे आचार्य कहते हैं कि क्वाथ कल्पना जो हम बनाते हैं तो उसमें जो सेंटेड ड्रग्स है वो वेपर्स के साथ उड़ जाएंगे, ऐसा आचार्य कहते हैं। तो ऐसे द्रव्य को हम कौन सी कल्पना बनानी चाहिए, इसके बारे में आचार्य कहते हैं कि ऐसे द्रव्य से हम पांड कल्पना या हिम कल्पना या अर्क कल्पना बना सकते हैं। तो अतः ऐसे द्रव्य से चूर्ण, कल्क, हिम, पांड या अर्क कल्पना का निर्माण करना चाहिए, ऐसे आचार्य फ्रेंड्स कहते हैं। तो कई द्रव्यों पे हानिकारक प्रभाव दूर करने के लिए हमें शिल्पा कल्पना का भी उपयोग करना पड़ता है। फ्रेंड्स, शिल्पा कल्पना क्या है, इसके बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। शिल्पा कल्पना एक ऐसी कल्पना है जिस कल्पना में हम दूध का इस्तेमाल करते हैं और जल का इस्तेमाल करते हैं, इसका प्रपोर्शन फिक्स रहता है। कोई आचार्य इसका प्रमाण 1:8:32 बताते हैं तो कोई आचार्य इसका प्रमाण 1:15:15 बताते हैं। 1 भाग द्रव्य लो, 8 भाग उसमें ये डालो, मिल्क डालो और 32 भाग उसमें वाटर डालो। नहीं तो कुछ आचार्य अपना मत ऐसा देते हैं कि 1 भाग द्रव्य लो उसमें 15 भाग पानी डालो और 15 भाग शीर डालो। इस तरह आचार्य ने अपने अपने डिफरेंट ओपिनियंस बताए हैं। तो इस कल्पना अर्जुन शिल्पा का गलत शिल्पा, ये शिल्पा हम बनाते हैं पर्टिकुलरली। अर्जुन जो है हर्ट के लिए अच्छी मेडिसिन बताई है फ्रेंड्स, जो हर्ट के मसल्स को बल देती है, जिसके रिगार्डिंग पेशेंट का हर्ट का जो पंपिंग पावर है, जो ओवरऑल फंक्शन है वो अच्छी तरह से इम्प्रूव होता है और पेशेंट को किसी भी हार्ट डिसीज नहीं होते। जैसे कि आप कोविड होने के बाद हर एक पेशेंट को पोस्ट एमआई के इफेक्ट अपने कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिले हैं फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन में हम अर्जुन शिल्पा का क्लिनिकली यूज कर सकते हैं। उसका डोसेज हम पेशेंट के बल के ऊपर डिपेंड करता है,
जनरली हम उसका डोसेज 10 ml बीडी देते हैं। सुबह 10 ml देना चाहिए विथ लिकॉम वाटर और शाम में 10 ml विथ लिकॉम वाटर देना चाहिए। ऐसा आलू सिरपाक का डोसेज हम यूज करते हैं तो पेशेंट को MI की कंडीशन जो डेवलप होती है वो हम अवॉइड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लहसुन का भी उदाहरण दिया है कि लहसुन से भी सिरपाक बना जा सकता है और अर्जुन का भी साथ भल्ला तक का भी उदाहरण दिया है, भल्ला तक के साथ भी हम सिरपाक बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब आगे देख लेते हैं कि पंचविध कषाय कल्पना के अंतर्गत कौन सा कल्पना सबसे गुरु है, कौन सा कल्पना सबसे लघु है। यहाँ पे एक श्लोक है फ्रेंड्स, पंचविध कषाय कल्पनम इति तद्य यथा स्वरस कल्क श्रुत शीत तेषां यथा पूर्वं बलाधिक्यम् कषाय कल्पना व्याधि अतुर बलापेक्षिणी न तु एवं खलु सर्वाणि सर्वत्रोपयोगी भवन्ति। तो इसका मीनिंग जान लेते हैं फ्रेंड्स, इस श्लोक में आचार्य क्या कहना चाहते हैं। इस श्लोक पर्टिकुलरली चरक सूत्र स्थान चौथे अध्याय का आचार्य ने बताया है। तो पंचविध कषाय कल्पनम, यहाँ आचार्य ने शब्द यूज किया है। तो पंचविध कषाय कल्पनम के अंदर क्या कहता है, स्वरस आता है फ्रेंड्स, स्वरस आता है, कल्क आता है, श्रुत आता है, शीत आता है और फांट आता है। ए पंचविध कषाय कल्पना के अंदर पांच पदार्थ आते हैं। तेषां यथापूर्वं बलाधिक्यम्, तो सबसे बलवान कौन हुआ, यथापूर्वं बलाधिक्यम कहा है। तो यहाँ पे सबसे बलवान होता है फ्रेंड्स स्वरस। इनकी मात्रा क्या कही है, इनकी मात्रा अपने को पेशेंट के बल के अनुसार यूज करना चाहिए ऐसे आचार्य कहते हैं और इनका उपयोग सर्वत्र होता है ऐसे आचार्य ने इस श्लोक में बताया है। तो फ्रेंड्स आगे जान लेते हैं आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम जानने वाले हैं, वो है पंचविध कषाय कल्पना। पंचविध कषाय कल्पना किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं अभी एक नया टॉपिक, सब टॉपिक जिसे कहते हैं पंचविध कषाय कल्पना। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि कषाय शब्द का अर्थ क्या है, ये पंचविध कषाय कल्पना शुरू करने से पहले अपने को जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। कषाय की परिभाषा में ऐसा कहा गया है कि जो पदार्थ लेते हैं जिसे कंठ में लगने के कारण उसे अरुचि प्रोड्यूस होती है, वो जो अपने कंठ के लिए अहितकर होता है उसे आचार्य ने कषाय ऐसी संज्ञा दी है फ्रेंड्स। तो कषाय के पर्याय क्या है इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं फ्रेंड्स अभी। तो कषाय के पर्याय आचार्य ने बताया है यहाँ पे, कषाय बोला है, रसभेद बोला है, अंगराग बोला है, विलेपन बोला है, निर्यास बोला है, सुरभि, लोहित, राग वस्तु और क्रोधादि, ये सब पर्याय आचार्य ने कषाय कल्पना के पर्याय में बताया है। तो अभी देख लिया कि कषाय किसे कहते हैं, जो पदार्थ हम लेने के बाद कंठ में अरुचि प्रोड्यूस करता है, अपने कंठ के लिए अहितकर रहता है उसे आचार्य ने फ्रेंड्स कषाय ऐसी परिभाषा दी है। और कषाय की हमने अभी पर्याय देख लिए, कषाय हो गया, रसभेद हो गया, अंगराग हो गया, विलेपन हो गया, निर्यास, सुरभि, लोहित, राग वस्तु और क्रोधादि, ये पूरे कषाय कल्पना के पर्याय हो गए फ्रेंड्स। तो आगे देख लेते हैं कि पंचविध कषाय कल्पना में सर्वप्रथम कौन सी कल्पना आती है उसके बारे में फ्रेंड्स। देखो तो यहाँ पे कषाय शब्द कैसे उत्पन्न हुआ इसके बारे में भी जानना हमारे लिए जरूरी है। यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि कषाय उसे कहना चाहिए, सामान्य अर्थ होता है कष हिंसायाम धातु से कषाय शब्द की निष्पत्ति हुई है, तो अर्थ होता है कि किसी मूल द्रव्य को हिंसा करने के बाद अपने को जो न्यू प्रोडक्ट मिलता है उसे हम सेवन योग्य बनाते हैं, उसे आचार्य ने कषाय कल्पना ऐसे सिंपल लैंग्वेज में कहा। तो यहाँ पे बता है आचार्य ने फ्रेंड्स कि कष हिंसा या धातु से बहुलाद गया कषायते, तो कंठम कष आय कषाय ऐसा शब्द बना है, कष प्लस आय से कषाय शब्द बना है फ्रेंड्स। शब्द का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, मूल द्रव्य को हिंसा कर अर्थात उसका स्वरूप समाप्त कर, नष्ट कर, कूट कर, पीड़ित कर, सेवन योग्य बनाना। तो सिंपल लैंग्वेज में कषाय बनाने के लिए हमें उस मूल पदार्थ को नष्ट करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो अब जान लेते हैं हम फ्रेंड्स की कषाय कल्पना के बारे में आगे क्या क्या बताया है। जैसे कि एग्जांपल दिया है आचार्य ने यहाँ पे, तुलसी पत्र का स्वरस हम जब निकालते हैं तो मूल रूप से द्रव्य के स्वरूप को नष्ट कर पत्ते को पीस कर या कुचल कर रस निकालते हैं फ्रेंड्स। अर्थात तुलसी पत्र की हिंसा कर दी तो अपने को तुलसी पत्र स्वरस मिलेगा, तुलसी पत्र स्वरस एक बार मिलने के बाद फिर तुलसी पत्र हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो मूल पदार्थ को नष्ट करने के बाद न्यू जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसे हम कषाय कहते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो आगे देख लेते हैं अभी इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो कषाय कल्पना का आविष्कार कैसा है इसके बारे में अब हम थोड़ी सी
जानकारी लेते हैं कि कषाय कल्पना क्यों प्रोड्यूस हुई है, उसका बेसिस क्या, क्यों जरूरत पड़ी कि कषाय कल्पना हमें प्रोड्यूस करनी पड़ी। देखो फ्रेंड्स, पहले कैसे होता था, आदमी या मनुष्य पुरातन कालों में जंगल में रहता था, तब वो तभी भी वो बीमार पड़ता था, तब वो अपनी सेहत ठीक करने के लिए क्या इस्तेमाल करता था, ये बेसिक क्वेश्चन है। तो उस समय हमारे इस जगत में वनस्पति द्रव्य की उपलब्धता बहुत थी, तो मनुष्य जंगल में रहता था और जंगल में रहते समय वो जो कुछ पत्ते है, कंद है या वनस्पति के पुष्प है, उनका इस्तेमाल मेडिसिन के रूप में करता था, उसे वो क्रूड फॉर्म में लाता था और कूट के उसका इस्तेमाल खुद की सेहत अच्छा बनाने के लिए करता था। इससे ही पंचविध कषाय कल्पना का आविष्कार हुआ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखो, जड़ी बूटियों के उपयोज्य अंगों से रोग निवारण होता है, यह अति प्राचीन ज्ञान है। वेदों में वनस्पतियों के अनेक कल्पनाओं का वर्णन उपलब्ध होता है फ्रेंड्स। संहिता काल से बहुत जब पहले मनुष्य जंगल में रहता था तो उसकी सेहत खराब होती थी, उसके तबियत खराब होने के बाद वो ये पत्तियां, छालों, फल फूलों, कंदों को चबाकर खा लेता था और रोगमुक्त रहता था। तो यही क्रम अनेक सालों तक चला फ्रेंड्स। जैसे जैसे अपने में इवोल्यूशन होते गया, वैसे वैसे उसका उत्तरोत्तर विकास होते गया। उस समय हमारा रहन पान अलग रहता था, टाइम के हिसाब से हमारा रहन पान, सहन पान सब बदल चुका है फ्रेंड्स, जिसका अभी हम देखते हैं कि पंचविध कषाय कल्पना इसके अंतर्गत ही निर्माण हुई है। तो सर्वप्रथम पंचविध कषाय कल्पना का वर्णन महर्षि अग्निवेश जो लेखक है चरक संहिता के, उन्होंने बताया है कि पंचविध कषाय कल्पना का आविष्कार इस पद्धति से हुआ है फ्रेंड्स। तो पंचविध कषाय कल्पना हमारे लिए एक नई मौलिक कल्पना है, जिसका सेवन करके हम शरीर को पुष्ट बना सकते हैं, रोगों का निवारण कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो कषाय योनि किसे कहे हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। कषाय योनि के अंतर्गत सिर्फ 5 कषायों के ही चरक संहिता में उल्लेख किया गया है, स्वरस, कल्क, क्वाथ, श्रुत, शीत और फांट। लेकिन महर्षि सुश्रुत क्या कहते हैं, महर्षि सुश्रुत का मत अलग है। महर्षि सुश्रुत अपने ग्रंथ में 6 कल्पनाओं का विवेचन किया है। सुश्रुत कहते हैं कि श्री वृक्ष तथा वनस्पतिक शिरों को भी पंचविध कषाय कल्पना के अंतर्गत इंक्लूड करना चाहिए, ऐसे आचार्य सुश्रुत का मत है। तो सुश्रुत के मुताबिक स्वरस, कल्क, क्वाथ, श्रुत, शीत, फांट और क्षीर, ये षडविध कषाय कल्पना आचार्य सुश्रुत ने अपने ग्रंथ में बताई है। तो एक और एक आचार्य बताए हैं काश्यप, जो काश्यप संहिता के लेखक है, उनका मत अलग है फ्रेंड्स। वो कहते हैं कि उसमें अभिषेक उन्होंने चूर्ण के लिए पर्याय यूज किया है, उनके मुताबिक 7 कल्पनाएं उन्होंने बोली है फ्रेंड्स। तो चरक संहिता में 5, सुश्रुत संहिता में 6 और काश्यप संहिता में 7 पंचविध कषाय कल्पना का उल्लेख आया है फ्रेंड्स। तो अभी जान लेते हैं फ्रेंड्स हमें कि पंच कषाय योनि किसे कहते हैं फ्रेंड्स, पंच कषाय योनि के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। देखो पंच कषाय क्यों बोला है, लवण रस को छोड़कर मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त कषाय रस वाले द्रव्य से ही कषाय कल्पना का निर्माण होता है फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पे मधुर कषाय बोला है, अम्ल कषाय बोला है, तिक्त कषाय बोला है और कषाय कषाय बोला है फ्रेंड्स। ये संज्ञाएं रूढ़ नाम दी जाती है, जैसे कि मधुर कषाय हो गया, अम्ल कषाय, कटु कषाय, तिक्त कषाय और कषाय कषाय फ्रेंड्स। लवण की स्वरसादि 5 कल्पनाओं में से लवण का नहीं बना सकते, लवण को कषाय संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि फ्रेंड्स लवण समझो हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो घुल जाता है, इसलिए लवण पदार्थों से कषाय कल्पना का निर्माण नहीं होता है फ्रेंड्स, ऐसे आचार्यों ने यहाँ पे बताया है। तो आगे देख लेते हैं कि फ्रेंड्स कौन सी कल्पना सबसे गुरु है, सबसे गुरु कल्पना बताई है स्वरस कल्पना। तो यहाँ पे कुछ श्लोक आए हैं फ्रेंड्स, उसका हम अब थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो चूर्ण शीत कषायश्च स्वरसो अभिशव तथा फांटः कल्कः तथा क्वाथो यथा उत्तम निर्बोध में, ऐसा काश्यप संहिता किल स्थान में आया है। तो उन्होंने 7 कल्पनाएं बताई है, चूर्ण कल्पना, शीत कषाय कल्पना, स्वरस कल्पना, फांट कल्पना, कल्क कल्पना और क्वाथ कल्पना, ऐसे 7 कल्पना है आचार्य ने यहाँ पे बताया। कषाय योनि यह, इसके बारे में भी श्लोक यहाँ आए, कषाय योनि किसे कहते हैं, मधुर कषाय, अम्ल कषाय, कटु कषाय, तिक्त कषाय और कषाय कषाय, इन्हें कषाय कषाय शब्द की परिभाषा दी गई। कषाय योनि पंचरसा लवण विवर्जिता, ऐसे अष्टांग हृदयकार का मत है, अष्टांग हृदय आयुर्वेद का
एक ग्रंथ है जिसमें यह श्लोक आया है, जिसमें लवण रस का उल्लेख नहीं किया गया है कषाय कल्पना के अंतर्गत फ्रेंड्स। तो अभी आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स कि सबसे आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स अभी कि एक एक करके हम स्वरस कल्पना क्या रहती है, कल्क कल्पना क्या रहती है, क्वाथक कल्पना क्या रहती है, चूर्ण कल्पना क्या रहती है, फांट कल्पना क्या रहती है, हिम कल्पना क्या रहती है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे फ्रेंड्स।